अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है काला जामुन। बहुत टेस्टी, बहुत मजे का बनकर तैयार होता है। आप इसे किसी भी त्योहार पर बनाएं या जब आपको मीठा खाने का मन करे आप इसे बनाएं, ये बहुत मजे का बनता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम खोया लिया है और 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर हमने यहाँ पर होममेड लिया है। ये दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये खोए को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हथेली से हम इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद में खोए को अब इसमें हम डालेंगे ये पनीर, और पनीर को इस तरह हम पहले मिक्स कर लेंगे हाथ से। और अब ये दोनों चीज़ों को हथेली से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये पनीर और खोया दोनों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो ये आधा कप के करीब मैदा ये डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून सूजी, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे अब मिक्स। तो ये डो को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो को आप इतना मिक्स करें कि ये अच्छी तरह चिकना हो जाए। तो ये देखिए डो अच्छी तरह चिकना हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके गुलाब जामुन। तो इस तरह हम थोड़ा सा डो लेंगे, और गुलाब जामुन आप चाहें तो गोल बना लें या फिर आप इसे लंबा बना लें। तो गुलाब जामुन का हम थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। तो इस तरह का लंबा गुलाब जामुन हम बनाएंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो आप बना लें। तो गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करने के लिए 1/2 किलो हम लेंगे चीनी। 2 कप के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। अगर कप से ना पा जाए तो ये 3 कप के करीब चीनी है। इलायची पाउडर डाल देंगे, और कुछ धागे हम डाल देंगे इसमें केसर के। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चीनी अच्छी से मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसे 8 से 10 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए चाशनी भी बनकर तैयार है। चाशनी को हमने 1 तार या 2 तार की नहीं रखा है, बस चीनी को मेल्ट किया और 12 से 15 मिनट इसे और पका लिया है। तो इस तरह चम्मच में हमने चाशनी ली और हल्का सा चम्मच को ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद में हमने इसे हाथ से इस तरह देखा तो बस हाथों पर ये हल्की सी चिपचिपाहट रहे चाशनी में। तो बस इतनी ही बाकी हमें चाशनी चाहिए। तो ये चाशनी तैयार है, इसे रखेंगे हम एक तरफ, और यहाँ पर हम गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया। तेल हम बहुत ज़्यादा नहीं गरम करेंगे, हल्का सा गरम करेंगे, और चम्मच से इस तरह चारों तरफ तेल को घुमा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये गुलाब जामुन। तो ये देखिए गुलाब जामुन पर अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन हम यहाँ पर काला जामुन बना रहे हैं तो इसे हम और डार्क फ्राई करेंगे। तो बस तेल को इस तरह घुमाते जाएंगे ताकि ये गुलाब जामुन भी घूमते जाएं और अच्छे से फ्राई होते जाएं। तो इस तरह ऑयल को बहुत सावधानी से आप यहाँ पर घुमाएं। तो ये देखिए गुलाब जामुन पर अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन अभी ये और फ्राई होंगे क्योंकि हम काला जामुन बना रहे हैं, और काला जामुन बनाने के लिए इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई करना होता है। तो फ्लेम आप यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखें, और स्लो फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करें। तो हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखा है, और जितना स्लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करेंगे ये उतने ही अच्छे ऊपर से फ्राई होंगे और अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए गुलाब जामुन अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे। तो जब ये सारे गुलाब जामुन फ्राई हो जाए तो इसे हम डालेंगे चाशनी में, और चाशनी अगर आपकी ठंडी हो जाती है तो फिर चाशनी को आप थोड़ा सा गरम कर लें। गरम गरम चाशनी में आप इसे डालें। तो एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और बस अब इसे हम ढक कर रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह चाशनी में भीग जाए।